इंदौर के एरोड्रम पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में सोने और चांदी के आभूषण के साथ नकदी बरामद किए हैं। बदमाशों ने नवंबर माह में सोने मकान पर धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फरियादी के परिवार में विवाह समारोह होने के कारण बैंक के लॉकर से आभूषण निकालकर अपने घर लाए थे, जिन्हें बदमाश चुरा कर फरार हो गए थे। विगत दिनों में इंदौर जिले में बढ़ती हुई चोरी और गृह विघटन की घटनाओं को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में थाना एरोड्रम को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें 18 नवंबर को आरोप जो एक फरियादी है विष्णुकांत ओझा, जो कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, इनके घर से जो इनकी बहू है वो शादी में उनको शादी में जाना था, जिसको लेकर के उन्होंने अपने जो बैंक के लॉकर से ज्वेलरी वगैरह निकाली थी और वो ज्वेलरी उनके घर में रखी हुई थी और उसके बाद उनके घर से वो सारी ज्वेलरी चोरी हुई थी। तो इसमें प्रकरण में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से जो प्रमुख आरोपी इसका है वो है महेश और बकरी वर्मा, ये नवीन नगर एरोड्रम का रहने वाला है। और इससे पूछताछ के दौरान इसने जो माल है वो एक सुनार है देवेंद्र कुमार प्रजापत, इसको देना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने देवेंद्र प्रजापत से ये माल जब्त किया है और इसको भी 411 में आरोपी बनाया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस को लगभग 20 तोले सोना, जिसकी कीमत लगभग 12,50,000 रुपये है, और 15,000 रुपये के लगभग चांदी ये पुलिस ने जब्त की है। और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में ये गृह विघटन में एक बड़ी कामयाबी है पुलिस की।